जय श्री राम। ये है टाइटन की जेंट वॉच 90174KD03 26995 की प्राइस रेंज में। नया आर्टिकल है तो मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ। इसकी बॉक्स पैकिंग आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक टाइटन की वॉच। बॉक्स निकाल लेते हैं। बॉक्स की पैकिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी पैकिंग दी गई है। क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है बॉक्स की। अब बॉक्स को करते हैं ओपन। तो ये है वॉच की फर्स्ट लुक। देख सकते हैं काफ़ी सुपीरियर लुक में आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाता है। किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से अगर आपने कंपैरिजन करना हो तो ये वॉच टाइटन की एक परफेक्ट वॉच मानी जाएगी। वॉच को हाथ में लेते ही एकदम आपको एक रॉयल सी फीलिंग देखने को मिल जाती है। इंटरनल डायल पे आप ध्यान देंगे तो आपको सारा इंटरनल मैकेनिज्म विजिबल होता है ऑटोमेटिक वॉच की। यही सबसे ख़ास बात होती है, यही इसकी लुक को और भी बढ़ा देती है। मिरर मिनरल ग्लास है, अपर फ्लैट पोर्शन है, साइड से आपको डूम कर्व देखने को मिल जाता है। काफ़ी मोटा कर्व्ड है इसमें, यानी जितना ही आपको बाहर की तरफ देखने को मिलता है इंटरनली उतना ही इसका मिरर देखने को मिल जाएगा। ये नीचे जैसे जैसे पेंडुलम मूव हो रहा है वैसे वैसे ही वॉच रनिंग हो रही है। कॉपर एंड ब्लैक की फिनिश में ये वॉच देखने को मिलती है। इंटरनल डायल भी आपको कॉपर एंड ब्लैक की फिनिश में देखने को मिल जाता है। वॉच स्टेनलेस स्टील में डिज़ाइन की गई है। 100% स्टेनलेस स्टील नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आपको सेरामिक की कोडिंग भी देखने को मिल जाती है। जो इसमें ब्लैक कोडिंग दी गई है ये ओवरऑल सेरामिक मटेरियल है, सेरामिक मार्बल है, जो कि प्रीमियम वॉचेस में यूज़ किया जाता है। डूम के साथ आपको फ्लैट कर्व देखने को मिलता है जो इसकी लुक को बढ़ाता है बहुत साइड से। बैक कवर पे भी आपको मिरर जैसे लुक देखने को मिल जाती है, जहाँ से आपको इंटरनल मैकेनिज्म प्रॉपरली विजिबल होता है। यहाँ पे बैक साइड पे आपको 22 जेल लिखा देखने को मिल रहा है टाइटन ऑटोमेटिक, जिसके ऊपर ये हाफ चंद्र आकार का जो बना हुआ है ये रूटर होता है। ये 360 डिग्री मूवमेंट करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी की मूवमेंट के साथ जो मेन स्प्रिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो जो बैक यहाँ पे ये स्प्रिंग होता है, ये यहाँ से स्प्रिंग फुली वाइंड अप होता है। वाइंड अप होने के बाद फुल टाइट हो जाता है और धीरे धीरे रिलीज़ होता है। जैसे जैसे रिलीज़ होता है वैसे वैसे वॉच रनिंग रहती है। जब प्रॉपरली रिलीज़ हो जाता है, यानी जो उसमें चाबी भरी होती है वो प्रॉपरली अनवाइंड हो जाती है तो वॉच रुक जाती है, लेकिन तब तक वॉच रनिंग कंडीशन में रहती है। तो ये रूटर का मेन काम होता है, इसीलिए इसको ऑटोमेटिक वॉच कहा जाता है कि ये रूटर ही इस वॉच को ऑटोमेटिक बनाने का काम करती है। आइदर वॉच मैकेनिज्म जो होता है मैकेनिकल प्लस ऑटोमेटिक है, यानी कि इसमें आपको मैकेनिकल फीचर भी देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक फीचर्स भी देखने को मिलता है। साइड क्राउन है, इसको आपने 20-30 टाइम्स क्लॉकवाइज मूव करना है, उसके साथ आपकी वॉच वाइंड अप होती है मैनुअली। वो वियर अप करने के बाद कुछ दिन आप रेगुलरली वियर अप करेंगे तो इसकी एक चाल बन जाती है। उसके अकॉर्डिंगली वॉच जो रिज़र्व पावर रखती है वो 28 आवर्स से लेके 36 आवर्स तक का रिज़र्व पावर देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे वॉच का जो मेन स्प्रिंग है अनवाइंड होता है वैसे वैसे वॉच स्टॉप होना शुरू हो जाती है, आइदर तब तक आपको रनिंग कंडीशन में ही देखने को मिलती है। इसको जैसे मैंने हाथ में लिया, पहले तो वैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी इसको वेयर किया था इसलिए रनिंग कंडीशन में देखने को मिल रही है, आइदर तब तक स्टॉप होती है। जैसे हाथ में लेते हैं थोड़ा सा इसको शेक करेंगे तो ये वाइंड अप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वियर अप करने के साथ आपके हाथ की मूवमेंट के साथ जो रूटर है
रूटर 360 डिग्री तक मूव करता है और उसी के साथ ये वाइंड अप होती है। हम इसे ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, नब्ज़ वाली वॉच भी बोलते हैं हमारी भाषा में, लेकिन नब्ज़ वाली नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक होती है। इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ किया गया, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म 7820 इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको उसका देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखा देखने को मिल जाता है, दिस इज़ ऑटोमेटिक विंडिंग मैकेनिकल वॉच, द वॉच इज़ पावर्ड बाय मूवमेंट ऑफ रिस्ट, यानी कि हम हाथ की मूवमेंट करते हैं उससे पावर्ड अप होती है। द वॉच मे स्टॉप इफ़ इट इज़ नॉट वॉर्न रेगुलरली, तो इसको अगर आप रेगुलरली वेयर करते हैं तो किसी तरह का इश्यू नहीं है, अगर रेगुलरली वेयर अप नहीं करते हैं तो ये रुक सकती है। इट्स रिक्वायर अराउंड 5 नंबर ऑफ फुल क्राउंस टर्न फॉर द वॉच टू स्टार्ट रनिंग इन केस ऑफ स्टॉपेज, और अगर फुली वाइंड अप करना चाहते हैं तो 45 नंबर ऑफ क्राउन टर्न इसमें रिक्वायर्ड होता है। यहाँ देख सकते हैं, कई कस्टमर की क्वेरीज होती है कि इसमें जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि 7820S इसका इंटरनल मैकेनिज्म है 22 वेल के साथ, और वॉच की जो साइज़ है 42 mm का इसका केस साइज़ है, इसकी थिकनेस आपको 13.40 देखने को मिल जाती है। केस ओवरऑल स्टेनलेस स्टील में है और कॉपर उस पर प्लेटिंग दी गई है। क्राउन आपको इसमें डिज़ाइनर लुक के साथ देखने को मिल जाता है। चेन आपको सेंटर पे ब्लैक सेरेमिक देखने को मिलता है, साइड पे ओवरऑल जो है इसमें कॉपर की जो ग्लॉसी फिनिश दी गई है ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल के साथ है। बटरफ्लाई इसमें क्लैप्स लॉक दिया गया है, बोथ साइड से पुश लॉक होता है। ये जितनी भी प्रीमियम वॉचेज आती हैं, टाइटन हो या फिर राडो, उनमें आपको ये आर्टिकल ये लॉक देखने को मिल जाता है। 50 meter वाटर असिस्टेंट है, यूनिक कोड आर्टिकल नंबर प्रॉपरली इसमें मेंशन है। सबसे अच्छी बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको जो इसका इंटरनल मैकेनिज्म विजिबल होता है वो इसके लुक को बढ़ा देता है। बात करते हैं वियर अप की, तो वियर अप पे इसकी आपको लुक काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। किसी भी प्रीमियम आर्टिकल्स के साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड और आर्टिकल के साथ इसका कंपैरिजन किया देखने को मिल जाता है, जो इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलती है। एक अच्छी प्राइस रेंज में अच्छा आर्टिकल टाइटन का, सबसे अच्छी बात है कि आप इसे किसी भी क्लॉथ के साथ वियर अप करेंगे तो आपकी लुक को ही बढ़ाएगा, ग्रेसफुल लुक देखने को मिलेगी, एक हैवी टच में एक प्यारा आर्टिकल स्टेनलेस स्टील में। सिमिलर लुक में आपको टाइटन के कई और आर्टिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो आर्टिकल्स आपको मल्टीफंक्शन के साथ और क्वार्ट्स मशीन के साथ देखने को मिलते हैं। ये पहला आर्टिकल ऑटोमेटिक मशीन के साथ है, कंपैरिजन करें तो 5000 के अप्रोक्सीमेट उन दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन 5000 में आपको मैकेनिज्म जो इसका चेंज हुआ देखने को मिलता है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, मल्टीफीचर्स के साथ जो मैंने आपको बताया, क्वार्ट्स मैकेनिज्म के साथ और मल्टीफीचर्स के बिना ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के साथ, ये दोनों आर्टिकल आपके रूप में। अब आप इन दोनों का लुक और कंपेरिज़न देख सकते हैं, कौन सा आपको बेहतरीन लगा वो भी ज़रूर बताना, और एक बार इस आर्टिकल को ट्राई ज़रूर करना अगर आपके बजट में है। 2 years इसकी मैकेनिकल वारंटी होती है, 1 year की कलर की वारंटी के साथ। किसी भी टाइटन के स्टोर से इसे बाई कर सकते हैं, बटाला में गुप्ता वॉच कंपनी एंड नव्य वॉच गैलरी, और जो प्राइस आपको ऑनलाइन मिलेगा वही प्राइस आपको ऑफलाइन भी देखने को मिल जाता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।